इन क्वेश्चन नंबर 21 केवीवीपीआई 2018 का जो है उसके अंदर जो टेबल के चार पिलर्स हैं जिस पे वो टेबल टिकी हुई है, तो इस गोल सर्कुलर टेबल का जैसे कि रेडियस 1 मीटर का बोला गया है, तो अगर यहाँ पे एक स्क्वायर शेप बनाया जाए तो हर साइड की जो लेंथ है वो हमारे पास जो है निकल के आ जाती है, उसकी वैल्यू होती है √2। तो यहाँ पे साइड लेंथ अगर ये √2 है तो ये वाली जो लेंथ होगी यहाँ पे ये 1/√2 हो जाएगी, इस लेंथ की वैल्यू ये 1/√2 हो जाएगी। और यहाँ पे जब बिल्कुल अगर इसका टॉप व्यू जो हम देख रहे हैं इस अरेंजमेंट का, इस टॉप व्यू के अंदर जब आप यहाँ पे वेट की वैल्यू अगर बढ़ाते जाएंगे, एम मास का वेट आपने रख दिया है तो एम वेट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, तो यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये इस जगह से टेबल का जो इन दो पिलर्स हैं, इन दोनों पिलर्स से टेबल का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो जीरो हो जाएगा, और ये जो टेबल का ऊपर सर्कुलर प्लेटफॉर्म जो है वो इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट टॉपल होने वाला होगा एक क्रिटिकल कंडीशन में, जब आप यहाँ पे मास की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, और उस दौरान जस्ट इस वाली एक्सिस के अबाउट, ये जो रोटेटिंग एक्सिस होगी, इस रोटेटिंग एक्सिस के अबाउट इस एमजी वेट का जो टॉर्क आ रहा होगा वो जस्ट इधर 20 किलोग्राम जो टेबल का सेंटर ऑफ मास पे इसका जो मास है, 20 किलोग्राम वेट के कारण इस 20 किलोग्राम वेट का जो टॉर्क इस वाली एक्सिस के अबाउट रहेगा, इस एमजी फोर्स का जो टॉर्क है उससे बैलेंस हो रहा होगा। तो उस क्रिटिकल कंडीशन के दौरान ये वाली जो लेंथ होगी हमारे पास, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 - 1/√2। तो उस क्रिटिकल कंडीशन में mg इंटू 1 - 1/√2 इसी का टू 20g इंटू 1/√2। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारे पास जो यहाँ से m की वैल्यू आएगी वो हमारे पास तकरीबन 48.3 किलोग्राम के अबाउट आती है, जबकि जैसा कि सवाल में आपसे क्लोजेस्ट वैल्यू पूछी गई है तो इसमें क्लोजेस्ट जो रिजल्ट है वो m का हमारे पास जो आता है वो 47 किलोग्राम के नियर अबाउट आ जाएगा। तो जो ऑप्शन के अंदर 47 किलोग्राम जो है वो 47 किलोग्राम एक राइट आंसर रहेगा।